मैं 3 जुलाई से रिटायर हुआ हूँ। आज का जो ये दिन है, ये वेटरन डे मनाया जाता है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि उन शहीदों के लिए जिन्होंने सर्विस के दौरान अपनी जानें निछावर कर दी इस देश के लिए, एक मिसाल बनी हुई है। आज भी हम उन शहीदों को नमन करते हैं और उनको उनकी मकसद के लिए दुआ करते हैं। ओनली नायक सरदार मोहम्मद शफी, SMVSM। मैं लद्दाख स्कोर के केविंग से हूँ। मैं आर्मी में ठीक ठाक काम करके SMVSM कमीशन कार्ड 4, NCCC 4 कार्ड लेके रिटायर होके आ गया, और हमेशा हमारी इंडियन आर्मी हमको याद रखती है, हमेशा हमारा सेवा करती है और हम धन्यवाद है। और आज हम यहाँ अवार्ड के लिए बुलाया गया है और भी हमको ज़्यादा अच्छा रहा। अगर इंडियन आर्मी को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम जहाँ भी लेगा जाने के लिए तैयार है और हर काम के लिए, हर सुविधा के लिए हम तैयार हैं सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है और दूसरी नई जिंदगी जैसी याद आ रही है। ये हम रिटायर हो गए लेकिन हम वहीं घर के सदस्य हैं, हम मरने तक इंडियन आर्मी के वफादार रहेंगे और वफादार। ये हमारे फील्ड मार्शल करियप्पा की याद में रखा गया है और 14 तारीख पूरे देश में ये वेटरन्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। और इसमें कुछ जगहें ऐसी चुनी जाती हैं पर कमांड, जिसमें कि आर्मी कमांडर साहब या हमारे चीफ साहब, CDS साहब और रक्षा मंत्री जाते हैं। तो इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर का चुनाव हुआ है, जहाँ पर हम आके सारे वेटरन से मिलेंगे, उनके हाल चाल के बारे में जानेंगे। और मैं फॉरवर्ड एरिया में जाता रहा हूँ, लोगों से मिलता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे एक साथ मिलना, और जितने आपने स्टॉल यहाँ पर देखे हैं जहाँ पर वो अपनी परेशानियों का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, वो सब एक ही छत के नीचे होना बहुत महत्वपूर्ण बात है।